हाय एवरीवन, विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली. आपको हमारी तरफ से, हमारे पूरे परिवार की तरफ से, आप सभी को हैप्पी दिवाली. स्टे सेफ. और जैसा कि कोरोना चल रहा है तो बहुत ध्यान से दिवाली सेलिब्रेट कीजिएगा. और इट्स अ मॉर्निंग हियर और आज मैं दिवाली का वीलॉग शूट कर रही हूँ. बाहर मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसी झमाझम सी बारिश हो रही है बालकनी से. तो और आज मैं आपको पूरे दिन भर का वीलॉग दिखाने वाली हूँ कि मैंने किस तरीके से प्रिपरेशन करी है. तो काफ़ी कुछ डेकोरेशन जो था घर का वो अच्छे से हो चुका है. ओनली खाने पीने की चीज़ें बाकी रह चुकी हैं, तो वो आज मैं थोड़ा किचन में कुकिंग करूँगी एंड देन पूजा की प्रिपरेशन करेंगे. तो सारी कुछ चीज़ें मैं आपको दिखाती हूँ एक एक करके. तो सबसे पहले मैं आपको बालकनी का व्यू दिखाती हूँ कि कितनी झमाझम बारिश हो रही है और कितना प्यारा लग रहा है वो व्यू. लेट्स गो. यहाँ पर मैं अभी अपनी कॉफ़ी एंजॉय कर रही हूँ और मेरे बालकनी का जो ये व्यू है, नज़ारा, ये मैं देख रही हूँ. तो कॉफ़ी पीने के बाद मैं थोड़ा सा रिलैक्स हो जाऊँगी एंड देन सारा कुछ प्रिपरेशन मैं स्टार्ट कर दूँगी. तो सबसे पहले मैं आपको व्यू दिखाती हूँ बालकनी का. ये देखिए, यहाँ पर आज दिवाली है एंड देखिए कैसी बारिश हो रही है यहाँ पर. और ये व्यू और ये नज़ारा इतना सुंदर लग रहा है ना. ये ऑरेंज कलर ट्री देख सकते हैं आप, ये फॉल का नज़ारा. वैसे तो अभी ऑलमोस्ट जा चुका है बट थोड़ा बहुत यहाँ से बहुत अच्छा दिखता है. देखिए इस ट्री के तो सारे पत्ते यहाँ पे झड़ चुके हैं. और यहाँ पर कल मैंने मेरी बालकनी को अच्छे से क्लीन कर लिया था. समर का लुक तो थोड़ा डिफरेंट था लेकिन बाकी जो पेड़ यहाँ पर नहीं लगेंगे क्योंकि वेदर का प्रॉब्लम है यहाँ पर, तो इस तरीके से मैंने इसे क्लीन कर लिया है. तो काफ़ी ठंडा कोल्ड वेदर है यहाँ पर और बारिश भी हो रही है. बट या मैंने सोचा आप लोगों को मैं थोड़ा सा नज़ारा दिखा दूँ, उसके बाद हम चलते हैं हमारे पूरे दिन भर की प्रिपरेशन के लिए. लेट्स गो. तो यहाँ पर मैं सबसे पहले लिविंग एरिया को थोड़ा सा क्लीन कर रही हूँ. वैसे बहुत ज़्यादा यहाँ पर क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कल परसों ही मैंने यहाँ पर बहुत अच्छे से क्लीन कर लिया था. तो जस्ट थोड़ा बहुत सामान जो इधर उधर फैला हुआ है उसी को बस उठाकर मैं थोड़ा अरेंज कर रही हूँ. तो ओवरऑल आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे लिविंग एरिया का जो लुक है दिन में इस तरीके से दिख रहा है. मॉर्निंग में तो ये इस तरीके से क्लीन हो चुका है और थोड़ा बहुत मैंने अरेंज कर लिया है तो इसका लुक काफ़ी अच्छा दिख रहा है यहाँ पर. तो यहाँ पर अब मैं किचन में ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही हूँ. तो यहाँ पर मैं अभी फटाफट से बनने वाले पराठे बनाने वाली हूँ. तो इस तरीके से यहाँ पर मैं आटा गूंथ कर रेडी कर रही हूँ ताकि हम हमारा ब्रेकफास्ट रेडी कर सकें. और यहाँ पर मैं हमारे मेरे और मेरे हस्बैंड के लिए यहाँ पर पराठे बना रही हूँ जो फटाफट और इंस्टेंट बन जाते हैं और हमारे काफ़ी फेवरेट हैं. तो यहाँ पर मैं नमक, अजवाइन और मिर्च वाला पराठा बना रही हूँ. तो इस तरीके से मैंने इसमें थोड़ा सा स्टफ़ टाइप किया है, यहाँ पर हल्का सा नमक, मिर्च एंड थोड़ी सी अजवाइन. और इस तरीके से मैं यहाँ पर पराठे सेक कर रेडी कर रही हूँ. तो यहाँ पर हम सबसे पहले हमारा ब्रेकफास्ट कंप्लीट करेंगे. तो यहाँ पर रेडी हो रहा है ये.
और यहाँ पर हमारा ब्रेकफास्ट कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पर मेरे हस्बैंड को यहाँ पर मिठाई चाहिए, जिसके लिए मैं मना कर रही हूँ क्योंकि पिछले 2-3 हफ्तों से कंटिन्यूसली हम लोग बहुत मीठा खा रहे हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं आप हमारी ये प्यारी प्यारी सी फिश। हैप्पी दिवाली, इनके नाम है हमारे पास। और यहाँ पर अब मैं हल्का सा दिवाली का स्नैक्स और कुछ स्वीट्स बनाकर रेडी हो चुकी हूँ। तो यहाँ पर मैंने सोचा कि सेंटर टेबल को थोड़ा सा डेकोरेट कर दिया जाए, तो यहाँ पर मैं अपनी दुपट्टे का इस्तेमाल कर रही हूँ इसे डेकोरेट करने के लिए। इसे काफ़ी सुंदर एंड फेस्टिव लुक यहाँ पर मिलता है। और यहाँ पर मैं सेंटर में जो सेंटर टेबल है इसके बीच में मैं एक मिरर का पीस मेरे पास रखा हुआ था उसका इस्तेमाल कर रही हूँ मैं, ताकि उसके ऊपर मैं दिए अच्छे से डेकोरेट कर सकूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना सुंदर एंड फेस्टिव लुक आ गया है इस फुलकारी दुपट्टे की वजह से। और यहाँ पर मैं कॉर्नर डेकोरेट कर रही हूँ जहाँ पर आर्टिफिशियल मैरी गोल्ड बनाए हैं मैंने कुछ गेंदे के फूल की तरह। तो ये टिश्यू पेपर से बना है, लाइक क्रेप पेपर से। पर आप देख सकते हैं मैंने ये चिवड़ा बनाया है जो मैं हमेशा हर साल बनाती हूँ दिवाली पे। इसकी रेसिपी भी सुप्रियास किचन जो चैनल है मेरा उस पे मिल जाएगी। तो ये नॉट मच स्पाइसी है, माइल्ड ही रखा है। और ये है बेसन के लड्डू, साथ ही मैंने यहाँ पर बनाया है कुछ नान खटाई। और ये है मीठे चावल जो हम केसर वाले बनाते हैं। तो बस इसी तरीके से मैंने इतना सिंपल ही रखा है। और बाहर से हमने कुछ ले आया था, लाइक थोड़ी रसमलाई वगैरह ले आए थे, तो बस उसी तरीके से ये हमारा फरसान यहाँ पर रेडी है। और यहाँ पर मैं रंगोली प्रिपेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर बेसिकली मैं गुलाल से बना रही हूँ और थोड़ा बहुत फूलों से भी मैं इसे डेकोरेट करने वाली हूँ। तो यहाँ पर दिए और फूलों के साथ ये रंगोली काफ़ी सुंदर बन चुकी है, काफ़ी प्यारी लग रही है ये। अब यहाँ पर पूजा की तैयारी हो रही है जिसके लिए मैं कुछ डेकोरेशन कर रही हूँ फूलों के साथ। तो यहाँ पर मुझे फूलों के साथ डेकोरेशन करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जितना यहाँ पर अवेलेबल हो सका मैंने उसी से डेकोरेट करने की कोशिश की। एंड दिस इज़ लुकिंग सो प्रिटी।
और यहाँ पर अब मैं दरवाजे के पास कुछ दिए रख रही हूँ और रंगोली के पास भी। और ये हमारी बालकनी की लाइट्स जो बहुत सुंदर लगती है। और ये है लिविंग रूम का कॉर्नर जिसे सिंपल ही रखा है दिए एंड कुछ प्लांट्स के साथ। और यहाँ पर मैं आपको मेरी किचन का लुक दिखाती हूँ जहाँ हमने ये लाइटिंग लगा के रखी हुई है। इतनी सुंदर लग रही है ये, और जो बाहर का नज़ारा है, बाहर का व्यू, इट्स माइंड ब्लोइंग। यहाँ पर देख सकते हैं आप, पूरा एकदम पेंटिंग की तरह लगता है ये। तो बस इसी तरीके से ये किचन वाली वॉल है और इस तरीके से ये इतनी सुंदर दिखती है यहाँ पर। साथ ही मैं आपको मेरा लिविंग एरिया भी दिखा देती हूँ। लुक देख पा रहे हैं लिविंग रूम का, बहुत सुंदर लग रहा है। लाइट्स एंड ऑल बहुत अच्छे लग रहे हैं और बालकनी का व्यू भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो बस इसी तरीके से हमारी पूजा हो चुकी है और मैंने आपको मेरा सारा डेकोर दिखा दिया, मेरा आज का दिवाली का वीलॉग। आई होप आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। क्या चीज़ अच्छी लगी, कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, मुझे ज़रूर कॉमेंट करके बताइएगा। और मैं आई होप आप लोगों की दिवाली भी इसी तरीके से अच्छी रही। And I wish you again a very, very happy Diwali. Stay safe. Bye-bye.